अपन एक प्रकार में जनरेट करने वाले हैं, इसका नाम है ये वीवी एन लिमिटेड। इसमें हम जानेंगे कि स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल के बारे में, और इसका हम टेक्निकल भी चेक करेंगे। तो ये कंपनी जो क्या करती है, इसमें किया दिया हुआ कि प्राइमरीली एंगेज इन बिजनेस ऑफ जनरेशन एंड सेल्स ऑफ पावर। एक मोटा मोटी ये जो है कंपनी पावर सेक्टर में वर्क करती है। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट एक इस कंपनी ने वन ईयर में 11.71% रिटर्न दिया है, और लास्ट फाइव ईयर में नेगेटिव रिटर्न है 15.94 का, ठीक है। और ये यूटिलिटी रिन्यूएबल एनर्जी में है, और ये स्मॉल कैप स्टॉक है ऑब्वियसली, और एक लो रिस्क टॉपिक क्योंकि गवर्नमेंट बैक कंपनी है, लो रिस्क है। और इसका डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है 7.32, काफ़ी कम कंपनी में इतना अच्छा डिविडेंड यील्ड देखा जाता है। और इसका पी रेशियो है 7.18, जो कि इस सेक्टर से काफ़ी कम है। इस सेक्टर का पी पावर सेक्टर का 28.42 है, तो आप देख सकते हो मतलब, और ऑलमोस्ट 100% एनालिस्ट ने भी इनको इन स्टॉक को ये सब मतलब सजेस्ट किया है। और इस वैल्यू जो करंट स्टॉक की वैल्यू है वो करंट प्राइस से कम है, इंटरेस्ट वैल्यू से कम है। और इसका डिविडेंड रिटर्न भी अच्छा दिया हुआ है, अभी एक सही पॉइंट एंट्री के लिए हम मान सकते हैं, और इसमें कोई नो रेड फ्लैग भी नहीं दिया हुआ है, राइट। और ये स्टॉक जनरेट करता है बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन बैंक ऑफ FD, राइट। तो इसके पीयर्स देखते हैं, अदानी, NHPC, जयप्रकाश पावर, ऑन वेरिसेंट रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत सारे। तो हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे पहले कि फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो इसका लास्ट फाइव ईयर्स में परफॉर्मेंस कैसा रहा कि रेवेन्यू हैज ग्रोन एट ईयरली रेट ऑफ 3.72% वर्सेस इंडस्ट्री 5.12%, ठीक है, मतलब इतना कोई बुरा नहीं है ऑब्वियसली। इंडस्ट्री नेट इनकम फाइव ईयर्स नेट इनकम हैज ग्रोन एट ईयरली 3.73% एंड वर्सेस इंडस्ट्री 12.83%, इनका इनकम का कम है मतलब बहुत ही, और मार्केट शेयर इनका डिक्रीज हो रहा है 5 साल में। तो आप देखेंगे कि लगभग इनका रेवेन्यू उसी इसमें 20,000 to 3,000 के इसमें ही है, मतलब चलता रहता है 3 to 4,000, मतलब एक आप अगर आप देख सकते हो तो लास्ट 3 ईयर से ये रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 2019 से, ये एक पॉजिटिव साइन है, राइट। अगर हम इसका नेट इनकम देखेंगे तो वो भी कंटिन्यूसली लास्ट 3-4 ईयर से इंक्रीज हो रहा है, और इनका अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे लास्ट 3-4 ईयर का तो कंटिन्यूसली इंक्रीज अपवर्ड ट्रेंड में, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन है, राइट। एक अच्छे किसी भी शेयर का अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है एक पॉजिटिव साइन होता है, राइट। और इनका पे आउट रेशो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब 69% 0.62 0.55, मतलब एक डिसेंट पे आउट रेशो इन्होंने ये किया है, मेंटेन किया है, राइट। अगर हम इनका एनुअल रिपोर्ट भी देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है वो भी हम चेक करेंगे। फिलहाल हम जाएंगे बैलेंस शीट में कि जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसका डेट टू इक्विटी रेशो बेटर है, बहुत अच्छा दिया है, और हायर करंट रेशो बहुत इम्पोर्टेंट है करंट रेशो, राइट। अगर हम इसके एसेट देखेंगे तो लास्ट इसमें 4 ईयर्स डिक्रीज ट्रेंड में दिखा जा सकता है, और इसकी अगर हम कैश होल्डिंग देखेंगे तो वो भी धीरे धीरे कम हो रही है इस स्टॉक की, राइट। अगर हम इनकी लाइबिलिटीज देखेंगे कुछ एक है इसमें पेपर 590 है लाइबिलिटी, इन पे डेट एक कम करते जा रहे हैं। अगर पहले 2,000 करोड़ था अराउंड 2018, बाद में 1995 18, मतलब धीरे धीरे कंपनी कोशिश कर रही है कि इनका डेप्ट मतलब जो कर्जा है वो कम हो,
मतलब एक एक अच्छी मतलब बात है कि कंपनी अगर पूरी कंप्लीट डेट फ्री होगी तो एक काफ़ी अच्छा मतलब होगा। और फिलहाल इसका जो नेट कैश चेंजिंग है वो निगेटिव में, इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी काफ़ी बढ़ गए हैं, राइट, और फ्री कैश फ्लो निगेटिव में। मतलब फिर हमने बात कर ली, होल्डिंग देखते हैं, होल्डिंग में क्या चिंता होगा, राइट। तो अगर हम फार्मर की होल्डिंग देखेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी है, 6% मतलब एक डिसेंट होल्डिंग ये प्रमोटर ने, और ये शो करता है कि प्रमोटर को उनकी कंपनी पे पूरा भरोसा है, राइट। तो उन्होंने लास्ट इस तक कुछ चेंज नहीं किया है, उन्होंने कुछ देखा नहीं। और म्यूचुअल फंड इसमें धीरे धीरे होल्डिंग कम करते जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड आप देख सकते हो, वो उनका चलता रहता है बाय सेल मोस्टली। और एफ आई वाले क्या कर रहे हैं, एफ आई वाले भी ऑलमोस्ट उसी रेंज में हैं, मतलब होल्ड करके बैठे। इसका मतलब एक पॉजिटिव साइन है कि यस, कि इसको म्यूचुअल फंड में भी, म्यूचुअल फंड भी इसमें इन्वेस्टेड है और एफ आई भी इन्वेस्टेड है। तो और रिटेलर सिर्फ 3.19% है मतलब बहुत कम, मतलब म्यूचुअल फंड से भी कम होल्डिंग रिटेलर की है। हमारे रिटेलर बहुत ही पेन स्टॉक में जाते हैं पॉइंट, मतलब जो बहुत ही पेन स्टॉक होते हैं उसको बहुत कर्जे चढ़ा होता है, कुछ कंपनी का फंडामेंटल सही नहीं होते, वहाँ पे देखना रिटेलर का रेशो बहुत हमेशा हाई रहेगा। और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज है जो अच्छा कर सकती है इन फ्यूचर, वहाँ पे यहाँ पे मतलब रिटेलर कम होते हैं। और यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा मतलब होता है, मतलब सब तो कुछ पैसा मतलब मनी चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता ना। अभी फिलहाल धीरे धीरे रिटेल के बाद रिटेल भी आई थिंक आ रहा है इसमें, नहीं कर रहे हैं बट कुछ इसमें नहीं है। और इसका न्यूज़ कुछ लेटेस्ट तो नहीं दिख रहा है इसमें, टारगेट 10,000 डेवलपमेंट मेगावाट अच्छी बात है, राजस्थान लोन मिशन के अंतर्गत 3.5 लाख करोड़ का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है, मतलब इनको एक अच्छा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिलते जा रहे हैं, मतलब कंपनी कुछ खाली नहीं बैठे ऐसे दिख रहा, अच्छी बात है। और हम इवेंट देखेंगे, इवेंट से मीन अभी इवेंट का अभी 21st को, मतलब अभी 4-5 दिन में इनका डिविडेंड भी आ जाएगा 1 रुपीज़ पर शेयर का। और एक कंपनी ने कंटिन्यूसली अच्छा डिविडेंड देती है, साल में 2 बार ऑलमोस्ट डिविडेंड दे ही देती है, मतलब 1.80, 1.40, मतलब ऑलमोस्ट 2021 का रिटर्न मतलब डिविडेंड हो जाएगा 2.20, अच्छा है। अगर उसको प्राइस सिर्फ 30 रुपीज़ है वो भी डिसेंट है, रिटर्न डिविडेंड रेट यील्ड है इसका भी 7% है, मतलब काफ़ी अच्छा है, मतलब ITC जो स्टॉक है उससे अच्छे इसका डिविडेंड यील्ड है, काफ़ी अच्छी बात है इसका भी। तो जिनको डिविडेंड और स्मॉल होल्डिंग मतलब एक सेफ बेट करनी हो तो इसमें कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एक्शन बायबैक हुआ था शायद, अनाउंसमेंट लेकर हुआ था, एक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तो ठीक है। इसका बहुत बड़ा और एक्सपोरेट करने के लिए हमें किसी इसमें रीड करेंगे किसी और एरिया में, और अब फिलहाल हम इसके कंपनी के जो मेन लोग हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। ये जो नंदलाल शर्मा है उनके डायरेक्टर है EMD, राइट, जो मेन यूक्रेन के फंक्शनल डायरेक्टर दिए हुए हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इसको हम आराम से देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं, इनको क्या प्लान है, अगर इन फ्यूचर अगर कुछ होगा इसमें स्टडी करूँगा और एक लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो इसमें बना दूँगा, ठीक है। एक हम इसमें भी देखते हैं स्टॉक क्या कह रहा है। मंथली टाइम टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक ऑलमोस्ट जो अपवर्ड ट्रेंड में ही है, अगर आप देखेंगे तो एक स्टॉक अपवर्ड ट्रेंड में ही घूमने जा रहा है। और वीकली में क्या सीन है, वीकली में भी ऑलमोस्ट बाइंग सिग्नल दिया हुआ है, 50 डेज में ही नॉर्वे का सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब अगर कुछ गिरा भी यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा, मतलब हम काफ़ी अच्छे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में 33, और उसके बाद उस पर काफ़ी 40 तक जा सकता है फ्यूचर में भी, मतलब काफ़ी पॉसिबिलिटीज है।
अच्छा स्टॉक दिख रहा। और डेली फाइन सैमसंग में, यस इधर भी एक ऑलमोस्ट एक ट्रेंड लाइन बन सकती है शायद यहाँ पे समहाउ, राइट एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए कि ऑलमोस्ट एक जा रहा नहीं करते लोअर हाई बनाते, फिर लोअर हाई इस पैटर्न में जा रहा एक और अच्छा बाय नहीं कर सकते अपन। बट मैं एक सजेस्ट करूँगा कि आप अपने खुद रिसर्च कीजिए, क्योंकि मैं हम से भी रिसर्च नहीं है, हमारा एक जो व्यू है पूरा पर्सनल है, हम आपके प्रॉफिट और लॉस को रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। आप अपना अच्छा से चूज करेंगे करिए, आपको पसंद आया तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इन फ्यूचर हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।